अगे बढ़ेंगे। संसद विच जलंधर के लतीफपुरा विच घर ढाण के मामले की गूंज नजर आई ते कांग्रेसी सांसद रवनीत विटू ने मुद्दा चुकया। उन्होंने कहा सरकार वालों की गई गरीबों नाल बेइंसाफी। केंद्रीय शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप पुरी ने भी कार्रवाई की निखेधी की। पंजाब सरकार नूं बेघर होए लोगों लई तुरंत रिहायश का इंतजाम करन दी इत्थे अपील की गई। सरकार वालों की गई गरीबों नाल बेइंसाफी ए सांसदां वालों कहा गया। केंद्रीय शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप पुरी ने भी कार्रवाई की निखेधी की। पंजाब सरकार नूं बेघर होए लोगों लई तुरंत रिहायश का इंतजाम करन दी इस दौरान अपील की गई। जलंधर के लतीफपुरा विच घर जिहड़े ढाए गए उस मामले की गूंज संसद विच भी गूंजी है। अज बेशक ये कोई स्कीम होवे चाहे ना, पर स्पीकर साहब आपां लोकां नूं घर देण दी गल कर रहे हैं। पर साडे की होया, चार दिन पहला मंत्री जी इस गल तो जाणू ने 70 साल तो सर पाकिस्तान तो आके जलंधर च लोग बसे ते उत्थे दी सरकार ने 100 घर सर बुलडोजर लैके उन्हां नूं तोड़ता। आपां घर देण दी गल करदे हां सर, ठंड दे विच जलंधर दे विच ऐसा मैं ताना शाह कदे देखिया नहीं। तो मैनूं लगदा मंत्री जी दिल्ली दे आ, पर पंजाबी ने इस गल तो वाकफ होणगे। आप इंटरवीन करके सर, जगह बेशक उन्हां दी होवे पर सर उन्हां नूं घर लमाउण लई ए आप इंटरवीन करन, नहीं बहुत बुरा हाल है जिहड़ा जलंधर च होया पिया। बाहर तक दीआं संस्थावां कह रहीआं भी असीं मदद करन आ रहे हैं, आपां मरे होए हैं की गल? तुसीं इत्थे ऐलान करो भी जो मदद होगी असीं जलंधर दी करांगे। पहले मैं कहूंगा, वो कहते हैं कि मैं हूं दिल्ली से पर दिल से पंजाबी हूं। मैंने दिल से नहीं, बाकी इन ऑल रिस्पेक्ट्स आई एम पंजाबी एंड अ वेरी प्राउड पंजाबी। आई वॉन्ट टू अश्योर द ऑनरेबल मेंबर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक शेल्टर अंडर द आर्ग्यूमेंट कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और पंजाब में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आई जॉइन द ऑनरेबल मेंबर इन द सेंटिमेंट, आई विल जॉइन दैट सेंटिमेंट एंड आई विल अपील टू एवरी वन कंसर्न दैट पीपल हु आर प्लेस्ड इन दैट डिसएडवांटेजेस सिचुएशन दे शुड बी प्रोवाइडेड रिलीफ एंड फॉर देम in the case of Punjab, in any case there are people outside the country who are willing to come and help, as the honorable member said. So I completely will join him and endorse that sentiment, so that in this, not only in weather, in any climatic or in any part of the year when it's cold or not so cold, you have no right to demolish those people. I had taken exception to the use of that term even the other day in the other house when I said there are norms which have to be followed, and at the heart of that is a humanitarian should be a humanitarian streak, that people who are without a shelter, they should be provided shelter rather than their whatever temporary locations are demolished, if that word is used and appropriate in that incident, and then they are sent hundreds of kilometers away. So I join the honorable member in doing that.